हाय फ्रेंड्स, मैं आरती सेठिया। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको मटर पुलाव की सिंपल रेसिपी बताऊंगी, बट ये खाने में बहुत ही टेस्टी है। ये दिखने में जितने सिंपल और अच्छे लग रहे हैं, उतने ही खाने में ये कई गुना ज़्यादा बहुत ही टेस्टी और स्पाइसी है। ऐसे आप ज़रूर ट्राई करें। अब मटर का सीज़न आ गया है तो ऑफकोर्स हर घर में मटर पुलाव तो ज़रूर बनेगा, और साथ में अगर गाजर का हलवा मिल जाए तो वाह क्या बात है। रेसिपी शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो बेल आइकन आएगा उसे दबाना ना भूलिए। यहाँ पे मैंने एक कप बासमती चावल लिए, इसे मैंने अच्छे से पानी से दो बार धो के 30 मिनट के लिए मैंने इसे भिगो कर छोड़ दिया है। और यहाँ पर आधा किलो मैंने मटर ली है, ये एकदम फ्रेश मटर है, और इसे हम चावल में डाल देंगे। चावल और मटर को मैंने बॉईल करने रख दिया है। इसमें हम एक तेज पत्ता, दो लौंग और एक दालचीनी का टुकड़ा ऐड करेंगे, और एक टीस्पून नमक ऐड करके इसे हम पका लेंगे। एक बॉईल आने पर हम गैस को धीमी आंच पर करके इसे पकाएंगे। अब देख सकते हैं हमारे चावल लगभग पक चुके हैं। हमें चावल को गलाना नहीं है, थोड़ा सा कड़क ही रखना है चावल को, यानी एक दाना कच्चा जितना हमें पकाना है। ये पक चुके हैं। चावल पक जाने के बाद मैंने गैस ऑफ कर दिया है, और इसमें मैं अब आधा नींबू निचोड़ लूँगी। नींबू निचोड़ने से क्या होगा कि हमारा चावल एकदम वाइट और खुले खुले बनेंगे, तो ये इसके लिए मैं नींबू ऐड कर रही हूँ। चावल को छलनी में डालकर इसका सारा एक्स्ट्रा पानी निकाल लेंगे हम। फिर इसके बाद हमें चावल को एक प्लेट में निकाल लेना है, और इसे थोड़ा सा हम ठंडा करके बाद में इसका बघार लगाएंगे, नहीं तो ये चावल जब गरम गरम होंगे तब इसमें टूटने का डर ज़्यादा रहता है। तो हमें इसे थोड़ा ठंडा करेंगे 10 मिनट के लिए। एक कढ़ाई में 2 टेबलस्पून तेल गरम करेंगे। तेल अच्छा गरम होने पर हम इसमें राई 1/4 टीस्पून जीरा और चुटकी भर हींग ऐड करेंगे। उसके बाद इसमें हम 2 मध्यम आकार के मीडियम साइज़ के प्याज, इसे हमें लंबे लंबे कट करके डालना है, और एक हरी मिर्ची बारीक कटी हुई ऐड करेंगे। इसे हमें अच्छे से थोड़ा सा लाइट गोल्डन ब्राउन करने तक पकाएंगे हम इसको। ये देखिए हमारे प्याज पिंक और लाइट गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। ये हमारे प्याज पक चुके हैं। प्याज अच्छे से पक जाने पर हम इसमें 1/4 टीस्पून गरम मसाला, 1/4 टीस्पून हम पाव भाजी मसाला, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, और स्वाद अनुसार नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर। लाल मिर्ची चाहिए तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से मिर्ची कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, और 1 टीस्पून धाना पाउडर। इन्हें डालकर अच्छे से हम मिक्स करके मिला लेंगे, और इन्हें 1 मिनट पका लेंगे। ये मसाले हमें 1 मिनट तक पकाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो इसकी खुशबू अच्छी नहीं आएगी, और पुलाव के अंदर ये सब मसालों की खुशबू आना बहुत ज़रूरी है। तो हमें इसे 1 मिनट तक लगातार चलाते हुए पकाना है। अब इसमें हम उबले हुए चावल ऐड करेंगे। इन्हें हम धीरे धीरे हिलाएंगे, नहीं तो चावल टूटने का डर रहेगा। तो इन्हें अच्छे से मिला लीजिए। मिलाने के बाद इसे हमें 3 से 4 मिनट तक और गैस पर पकाना है, और उसके बाद हमें गैस को बंद कर देना है। यहाँ पे मैं आधा नींबू निचोड़ कर डाल रही हूँ। आप चाहे तो कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, क्योंकि किसी को ज़्यादा खट्टा पसंद है, किसी को कम पसंद है, तो आप अपने अकॉर्डिंग नींबू का रस कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे ये मटर के पुलाव बनकर तैयार है, और ये बहुत ही इजी और सिंपल रेसिपी है, बहुत ही टेस्टी है। एक बार आप ये ज़रूर बनाकर देखिए, और मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए कि ये कैसे बने हैं मटर पुलाव, ज़रूर बनाइए आप। आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो फ्रेंड्स प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अपने अनुभव मेरे साथ में ज़रूर ज़रूर शेयर कीजिए।